अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है 28 नंबर क्लास में मैं आप लोगों को, कल मैंने आपको समझाया था ग्रेडियंट टूल के बारे में, उसी के नीचे जो नेक्स्ट बेसिक टूल्स में आता है, तमाम बेसिक टूल्स मैं आपको समझा चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है पेंट टूल। पेंट टूल किस तरह यूटिलाइज होता है, किस तरह उसको जो है ना हम लोग पिक्चर एडिटिंग या बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, या किस तरह उसके पैटर्न्स को हम यूज़ करते हैं, तो इस क्लास में वो मैं आपको समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बॉक्स ले लिया है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकूं। तो आज की जो हमारी क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो पेंट बकेट की क्लास है। ग्रेडियंट की क्लास मैं ऑलरेडी कल आपको समझा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, और एंड पे भी जो है ना इस वीडियो के एंड पे भी लिंक दूंगा ग्रेडियंट की क्लास का, तो आप उधर से जाके ग्रेडियंट की क्लास सीख सकते हैं। ये बेसिक टूल्स ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे टूल्स मेरे पास हो जो मैंने आपको समझा चुका हूँ। लेयर्स के पैनल्स भी ओवरऑल मैं आपको समझा चुका हूँ, कुछ जो शॉर्टकट्स हैं, एक्शंस वगैरह हो गए, या ऊपर वाले जो टूल्स थोड़े बहुत हैं वो समझाने वाले रह गए हैं, बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने कैसे चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करना है। तो पेंट बकेट की क्लास में फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक बकेट ले लिया है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लू कलर फील हो जाए, तो ये ओवरऑल ब्लू कलर फील हो जाएगा। तो जो भी कलर मैं चाहूँगा वो एक कलर कोई भी फील हो जाएगा। पेंट बकेट का मतलब जैसे कि आप कोई भी एक कलर जो है ना वॉल पे फिल करते हो या किसी भी चीज़ पे करते हो। ग्रेडियंट में तो ये था कि दो या दो से ज़्यादा मिलके कलर्स जो बनाते थे उसे हम ग्रेडियंट कहते थे, लेकिन जो पेंट बकेट होता है, पेंट बकेट का ये सीन होता है कि आपको एक ही कलर के थ्रू जो है ना आपने उसको वर्कआउट करना होता है। जब आप पोस्टर बना रहे होते हैं या आप किसी भी चीज़ तरह पिक्चर एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो आप को इस चीज़ की यूटिलाइजेशन आनी चाहिए कि आपको पेंट बकेट कैसे यूटिलाइज करना है और क्या सब कुछ करना है। उसके अलावा मैं एक लेयर ले लेता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं शेप एक चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैं शेप क्रिएट करूँगा तो ये कलर खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाली रेक्टेंगल शेप्स हो गए, एलिप्स शेप्स, इनके थ्रू मैं करना चाहूँगा, तो जस्ट मैं इस पर पेंट बकेट पर जाऊँगा और पेंट बकेट से सेलेक्ट कर लूँगा, आके सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास ओवरऑल कलर हो जाएगा। अगर मैं अपना कलर चेंज करना चाह रहा हूं तो वो भी हो सकता है कि आप जो है ना, मैं इसको इन्वर्स कर देता हूं, इसको ग्रीन कर देता हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने ग्रीन कलर कर दिया। तो जब आप पेंट बकेट में आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ रही होती है, एक फोरग्राउंड की ऑप्शन आ रही होती है और एक आ रही होती है पैटर्न की ऑप्शन। फोरग्राउंड की ऑप्शन ये तो सिंपल सी ऑप्शन है कि आप जो है ना जस्ट लेयर बनाएं और जिस तरह की आपको काम चाहिए, जिस तरह का कलर चाहिए, आप आराम से उस कलर को चेंज करें और जो है ना उसको यूटिलाइज करें सुकून से। ये पिंक कलर फॉर एग्जाम्पल, ये मैं पिंक कलर करना चाह रहा हूँ, या किसी भी शेप में कोई कलर करना चाह रहा हूँ, पेंट बकेट का काम ये चीज़ होगा। ये फोरग्राउंड और पेंट बकेट पैटर्न्स, ये दो इसमें आती हैं ऑप्शंस। ये दो ऑप्शंस मैं पहले आपको जो है ना फॉर्मली समझा रहा हूँ, उसके बाद जो है ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि आपने पेंट बकेट को पिक्चर में कैसे यूटिलाइज करना है बैकग्राउंड एडिटिंग के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो है पैटर्न की। पैटर्न में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कम ऑप्शंस आ रही हैं। आप जस्ट इस पे जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कि लार्ज थंबनेल की। लार्ज का मतलब कि हम मुझे बड़ा करके दिखाओ कि ये कैसे नज़र आ रही हैं और क्या पैटर्न मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ। एक मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला पैटर्न हो जाए। मैं जस्ट उस पर क्लिक करूँगा तो ये ओवरऑल पैटर्न मेरे पास फिलअप हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इतने मज़े के पैटर्न नहीं है, लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आपने कैसे कोई पैटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कलर पेपर वाला, जैसा कि मैंने आपको ग्रेडियंट में समझाया था कि अगर आप जो है ना, ये आपके पास जो ऑप्शन आ रही होती है, अगर आप ओके कर देंगे तो पीछे वाले सारे खत्म हो जाएंगे। जो मैं न्यू सिलेक्ट किया है कलर वाला, सिर्फ वही आ जाएंगे, लेकिन इसको अगर आप चाह रहे हो कि ऊपर वाले भी आएँ और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आएँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपेंड करना है। अपेंड जस्ट मैं करूँगा तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रही हैं। तो ये देखें, एक वॉल का टेक्स्चर है, इसको मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो ये वॉल का टेक्स्चर इस पर हो जाएगा।
तो ये सिंपल सी टेक्निक है कि आपने जो है ना पैटर्न्स के थ्रू करना है या किस तरह कोई चीज़ करनी है। ये पैटर्न्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं कि जब आप जो है मीन्स के अगर आप टाइल्स का पैटर्न बना रहे हैं या किसी भी चीज़ का पैटर्न बना रहे हैं, तो ये पैटर्न्स ज़्यादा पेंट बकेट में जो पैटर्न्स आ रहे हैं ये उसी तरह ही यूटिलाइज होते हैं कि आपने डिफरेंट पैटर्न्स को मैचअप करके एक न्यू पैटर्न बना रहे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस को चूज़ करके। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं कि आपने पैटर्न्स को कैसे करना है। उसके अलावा इसमें ग्रेडियंट की तरह ऑप्शन मौजूद होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि सेव पैटर्न। अगर आप इस ओवरऑल को सेव करना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को पैटर्न देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे कि मैंने आपको समझाया था ग्रेडियंट की क्लास में कि आपने ब्रश जी पे जाके कैसे आपने डाउनलोड करना है कोई भी ग्रेडियंट, उसी तरह आप ब्रश जी पे जाके, नीचे मैं लिंक दे दूंगा ब्रश जी का, अदरवाइज आप लास्ट क्लास में जाके भी आप देख सकते हैं, ब्रश जी में जाके brushjee.com में जाके आप वो पैटर्न्स डाउनलोड कर सकते हैं और वो इजीली उसको सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मुझे पैटर्न नहीं चाहिए, ये मैं अपने दोस्त को नहीं देना, तो मैं जस्ट आल्ट प्रेस करूंगा और जस्ट इस पर क्लिक करूंगा तो ये डिलीट होता जाएगा। तो पैटर्न्स का भी सेम टू सेम ग्रेडियंट की तरह ही काम है, क्योंकि ये फोटोशॉप है, फोटोशॉप में जो आपके शॉर्टकट्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। आल्ट जिस पर आप प्रेस करेंगे तो बाकी एक्स्ट्रा पैटर्न्स डिलीट हो जाएंगे, तो अदरवाइज आप इनको सेव करना चाहेंगे तो आपके पास सेव की ऑप्शन दे देगा सेव पैटर्न्स में। तो जस्ट मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लूंगा, ये देखें पैटर्न्स की फाइल आ गई, तो ये ओवरऑल हमारे पास सेव हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं पैटर्न्स के नाम से सेव हो गई है। जब मैं राइट क्लिक इसको करूंगा और जो है आराम से अब मैं दे सकता हूँ 1.33 MB मेगाबाइट्स के हमारे पास पैटर्न्स आ गए हैं। उसके अलावा अगर मैं कोई डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, डाउनलोड किए हैं मैंने पैटर्न्स, उसको मैं लोड करना चाह रहा हूँ अपने इस फोटोशॉप में और मैं चाह रहा हूँ कि पक्का पक्का इसमें फोटोशॉप में रहें, तो मैं जस्ट उसको मैं यूटिलाइज़ करने के लिए भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट लोड पैटर्न्स पे जस्ट क्लिक करूंगा और जो है ना मुझे वो पूछेगा कि किधर आपका पैटर्न पड़ा हुआ है, किधर से मैं पैटर्न लूँ, तो आप उधर से जाके आराम से उसको लोड कर सकते हैं, ब्रश जी से डाउनलोड करके कोई भी पैटर्न ईजिली लोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आपने चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करना है। ये ओपेसिटी तो जैसे आम मैंने आपको समझाया था कि ओपेसिटी कि आपने कितना लाइट रखना है कितना डार्क रखना है, तो ओपेसिटी का ये सिस्टम होता है। तो टॉलरेंस का समझाने के लिए मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इमेज ले ली है, इसको मैं ड्रैग करके जस्ट न्यू इस जगह पर ले आता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो ऊपर ब्लू कलर है इसको मैं जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू कलर की जगह पे मैं कुछ और कलर करूँ। मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी टॉलरेंस रखूँ। अगर मैं न्यू लेयर नहीं भी लेता तो कोई मसला नहीं है, इसको मैं जो है ना ऑल लेयर्स पे कर लेता हूँ। ऑल लेयर्स मतलब कि नीचे वाली लेयर को भी वो प्रेफर करेगा। तो मैं जस्ट फोरग्राउंड पे जाके फोरग्राउंड को कलर करूँगा और मैं इस पर ऐसा करता हूँ कि ब्लू में आ जाता हूँ, थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर ले लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यार इस जगह पे फिलअप हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं 70% टॉलरेंस है, तो इसने ब्लू का ही लिया, ऑल मैंने लेयर्स किया, इसका मतलब कि ये नीचे वाली लेयर्स को भी देख रहा है कि नीचे वाली लेयर्स में आसपास के जो उसको ब्लू कलर नज़र आ रहे हैं टॉलरेंस ज़्यादा रखी है, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा देख रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी मैं टॉलरेंस 10% कर दूँ, तो यही चीज़ मैं इधर ही ब्लू पे क्लिक करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं ब्लू का थोड़ा सा पार्ट उसने लिया है, कौन से पिक्सल्स उसको सेम सेम मिल रहे हैं उसको जो है ना उसने अलग कर दिया है। तो इस तरह करके हम लोग पिक्चर एडिटिंग में भी हम लोगों को ज़्यादातर बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती, जब जो है ना हम लोगों के पास ईजी कलर के बैकग्राउंड्स होते हैं और इजी कलर के हम लोगों के पास चीज़ें होती हैं कि हमने जो है ना आराम से उस पर बस कलर कर लेते हैं तो हमारे पास आसानी आ जाती है, जिसमें जो है ना क्लाइंट्स हम लोगों को कहते हैं कि सिंपल सा बैकग्राउंड मुझे चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, या जो है पासपोर्ट साइज आप पिक्चर बनाने में एक सिंपल सा बैकग्राउंड मुझे चाहिए, तो जस्ट आप जो है ना ग्रेडियंट टूल के जरिए विदाउट क्रॉपिंग किए आप टॉलरेंस ज़्यादा करके कम ज़्यादा करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जो है ना कोई पिक्चर शूट कर रहे हैं और जो है आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर शूट कर रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड पे वाइट कलर आ रहा है, तो आप जस्ट ग्रेडियंट के थ्रू उसको इजीली ब्लू कलर या कोई भी कलर करके आप पासपोर्ट में एज ए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पासपोर्ट की कलर से मैंने आपको क्लास दी थी, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब ये जो मेरी क्लासेस समझते हैं वो जानते हैं कि जो है ना मैंने पुरानी क्लासेस में सब कुछ आप लोगों को समझा चुका हूँ।
तो ये सिंपल सी टेक्निक है। अगर मैं चाहूंगा कि इस कलर का ब्लेंडिंग ऑप्शंस मैं चेंज करूं तो मैं इसके ऑप्शंस भी चेंज कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। इसी पे क्लिक करके जब मैं डाउन पे करूंगा तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस ये चेंज करना शुरू कर देगा कि यार कौन सा कलर करना है। ये देखें ऊपर पर्पल होता जा रहा है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस, जैसे कि मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शंस की क्लास में समझाया था कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस का क्या काम होता है, क्या सब कुछ होता है, तो ये आप देख सकते हैं ये पर्पल हो गया है। इतनी जबरदस्त टेक्निक है कि आप जो है ना ग्रेडियंट का यूज करके आप इजिली जो इजिली रिमूव होने वाले बैकग्राउंड है विदाउट उसको कटिंग किए, विदाउट रेजर टूल यूज किए, आप जो है ना इजिली आराम से उसको जो है ना बैकग्राउंड उसका चेंज कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल सी क्लास, पेंट बकेट की क्लास। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को और बेल आइकन पे मस्ट क्लिक किया करें, क्योंकि अब मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगा, वैसे तो आजकल मेरा प्लान बना हुआ है कि 10 बजे सुबह के 10 बजे मेरी डेली वीडियो अपलोड होती है, तो मैं कोई बिला नागा डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो डेली आपको जो है ना नोटिफिकेशन आ जाए करेगा कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप जब भी आप मोबाइल पे या आपकी जीमेल आईडी या किसी भी थ्रू आप आराम से जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो और आपको अपडेट मिल सकती है। तो बेल आइकन पे मस्ट क्लिक कीजिए करें और मेरी प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। मैंने 26 क्लासेस इलस्ट्रेटर की ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और फोटोशॉप की 28 क्लासेस अपलोड कर दी हैं इंट्रोडक्शन को मिला के। तो वैसे तो ये 28वीं क्लास हमारी जा रही है, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन को एक प्लस भी रखा था, तो इस वजह से ये 28वीं क्लास है हमारी। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाद यूनुस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।